ग्राम छेलाई में भागवत कथा एवं सभी जातियों के सम्मेलन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुना जिले के सेठ एवं दादा के नाम से विख्यात प्रेम नारायण राठौर की, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपनी जन्मभूमि छेलाई में भागवत कथा के साथ साथ सभी जातियों के निःशुल्क सम्मेलन कराने जा रहे हैं। सम्मेलन संपन्न होने की तिथि 30 मार्च है, जिसमें 101 जोड़े होने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन बदरवास में और गुना में किया जा रहा है। ये जानकारी दी हमें राठौर समाज के अध्यक्ष पवन और बताए कि ये कार्यक्रम काफ़ी वर्षों से राठौर परिवार की ओर से संपन्न कराए जाते हैं। क्या नाम है आपका? पवन राठौर, अध्यक्ष राठौर समाज गुना। जी बताएं, अभी जो कार्यक्रम हुआ हो रहा है सेठ जी के द्वारा, कौन सा कार्यक्रम है और कितने क्या क्या कार्यक्रम है? सर्वप्रथम तो मैं सेठ श्री प्रेम नारायण जी राठौर की ओर से सभी शहरवासियों को, सभी नगरवासियों को पूरी परवा की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूँ। साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री प्रेम नारायण जी राठौर द्वारा ग्राम छेलाई में श्रीमंत भागवत कथा का आयोजन 22वीं बार किया जा रहा है। यहाँ हर वर्ष निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन भी श्री प्रेम नारायण जी राठौर के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि आज दिनांक तक 72 जोड़ों का पंजीयन हमारे पास हो चुका है और यह सम्मेलन 22 मार्च को ग्राम छेलाई में संपन्न होगा। और इसमें दहेज के लिए सेठ जी की ओर से 51 बर्तन, रकम एवं अन्य सामान गोदरेज की अलमारी सहित सेठ जी की ओर से प्रदान किया जाएगा। और यह सम्मेलन निरंतर 22 वर्षों से चल रहा है और अभी तक श्री प्रेम नारायण जी राठौर की ओर से लगभग 4000 जोड़ों का सम्मेलन विवाह संपन्न करा चुके हैं। और इसकी तिथि क्या है? इसकी तिथि है 30 मार्च रामनवमी। और इसका रजिस्ट्रेशन कितने? रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है बिल्कुल। और कितने तारीख तक है? रजिस्ट्रेशन 25 मार्च तक यहाँ किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक तो भद्रवास में किया जा रहा है लाल राम पटवारी जी द्वारा, और गुना में स्वयं मैं पवन राठौर बाबा बर्फानी मोबाइल शॉप पुरानी गल्ला मंडी में इसका पंजीयन हो रहा है। पंजीयन बिल्कुल निःशुल्क है, सारा काम निःशुल्क रहेगा। सभी जातियाँ इसमें सम्मिलित होंगी? इसमें सर्व जातियाँ हैं, कुशवा समाज है, जोगी समाज है, इसमें दो ब्राह्मण के जोड़े हैं, 3 राठौर बंधु भी है और अहिरवार समाज है, लगभग समाज है इसमें, जैन समाज भी है। जी।